पैसा मिले। यूट्यूब एक इंटरनेट पे आसान जरिया है और बहुत सारे पैसे देने वाला विकल्प है। अगर आप इसको जानेंगे तो आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो इंडिया के हैं सबसे ज्यादा कमाते हैं उनका नाम है अमित अग्रवाल, जो कि 15 से 20 लाख रुपए वो पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, तो आइए YouTube वीडियोस के जरिए आप भी कैसे अर्निंग कर सकते हैं मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फुल क्लियरिटी हो जाएगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से। तो यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए हमें दो चीजें की जरूरत पड़ेगी। मेक ए यूट्यूब अकाउंट, जिस पर आप यूट्यूब पे एक अकाउंट बनाएंगे, और यूट्यूब पे अकाउंट बनाने के बाद, यूट्यूब पे अकाउंट बनाने को चैनल ही बोलते हैं। यूट्यूब पे जब अकाउंट बनाता है उसको क्या बोलते हैं, चैनल ही बोलते हैं। तो यूट्यूब पे एक चैनल अपना बना लीजिए जिसपे आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, और दूसरा है मेक ए एडसेंस अकाउंट। एडसेंस के बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा, एडसेंस एक बैंक खाते की तरह काम करता है और एक बैंक का तरह काम करता है एडसेंस। जब आपका कोई वीडियो यूट्यूब पे रहेगा तो वो वीडियो पे तो अर्निंग होगी, लेकिन यूट्यूब से आपको डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपका यूट्यूब का जो अर्निंग है वो एडसेंस के अकाउंट में आएगा, और एडसेंस के ही अकाउंट में आप अपना बैंक का डिटेल देंगे, जो आपका बैंक का डिटेल है। तो जब आप अपना बैंक का डिटेल एडसेंस के अकाउंट में देंगे तो यूट्यूब की सारी अर्निंग आपके एडसेंस के अकाउंट में ही आएगी, और फिर एडसेंस के अकाउंट से आपके असली बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो आ गया समझ में आपको एडसेंस के बारे में कि एडसेंस क्या है। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। तो चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे यूट्यूब के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं दो नंबर पे एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए हमें अपने ब्राउजर के लिंक बार में टाइप करना होगा adsense.com। आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं adsense.com और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया हमारे सामने एक वेबसाइट खुल गया, और यहाँ पे देखिए साइन अप नाउ का ऑप्शन है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यस, और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट और यूज एन अदर अकाउंट। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऊपर देखिए पहले से साइन इन हुई, इकबाल अंसारी 12345@gmail.com। ये पूछ रहा है कि आप इसी ईमेल आईडी से जाना चाहते हैं कि दूसरा ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं इसी ईमेल आईडी से जाना चाहता हूं, तो यस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और यहाँ माई वेबसाइट पूछेगा। तो मैं, क्योंकि मैं अपने वेबसाइट से इनकम नहीं करना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब के जरिए इनकम करना चाहता हूँ, तो इसको एकदम ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका एडसेंस पर यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे, यानी कि पहला जो है इस ऑप्शन पे यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए। अब चलिए हम अपने ब्राउजर के लिंक बार में टाइप करते हैं youtube.com पर जाएंगे, और यहाँ पे देखिए क्योंकि मैं पहले से साइन इन हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ और मैंने एक चैनल बना के रखा है। ठीक है, अगर आप नए हैं और आएंगे तो आप अपलोड पे जैसे ही यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा रहेगा कि क्रिएट ए न्यू चैनल, यानी कि आप पहले यूट्यूब पे साइन इन होइए, तो आपको क्रिएट ए चैनल करना पड़ेगा, और कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ नाम दिया हुआ है मेरे चैनल का, मोहम्मद इकबाल अंसारी। तो चलिए, मेरा तो पहले से एक चैनल बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करते हैं। क्रिएट स्टूडियो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगा जो कि मैंने पहले से अपलोड करके रखा है मोबाइल ऑनलाइन बोल के, लेकिन इसको छोड़ते हैं और हम यहाँ लेफ्ट साइड में चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप चैनल बना ले तो सीधा यहीं पे आए, चैनल के ऑप्शन पे आएंगे, और चैनल के ऑप्शन पे आते ही इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास यहाँ मोहम्मद इकबाल अंसारी चैनल आपका नाम और वेरीफाई लिखा हुआ है, तो हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक मैसेज के जरिया और एक टेक्स्ट मैसेज के जरिया,
कोड आएगा मोबाइल पे, तो हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चुनते हैं कि मेरे मोबाइल पे एक कोड आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमसे हमारा मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तो हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे पास यहाँ एक कोड आएगा, ये देखिए कोड का एसएमएस आ गया मेरे मोबाइल पे। अब मैं वो कोड देता हूँ 674271, 674271, और इसको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड, ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन क्या है, हम फिर से यहाँ पे राइट साइड में जाके ऊपर अपने जो गोल आइकॉन है उस पर क्लिक करके क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास वही शुरू का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ चैनल बोल के जो ऑप्शन है फिर से हम इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, मोनेटाइज के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ देखिए नीचे आएंगे, मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है और एनेबल करेंगे इसको। एनेबल करने के बाद में फिर एक ऑप्शन आया एनेबल माय अकाउंट, फिर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे तीन एग्रीमेंट है एक्सेप्ट करने के लिए, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद में आई एक्सेप्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, और सीधा यहाँ मोनेटाइज का ऑप्शन जो है इस पे क्लिक कर दीजिए। और गॉट इट कर दीजिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, फिर से हम इसी चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में चैनल का जो ऑप्शन है हम फिर से इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम फिर से मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे आएंगे। उस टाइम एनेबल करने का ऑप्शन था, लेकिन अब ये जगह ग्रीन हो गया है। तो ग्रीन होने के बाद में थोड़ा राइट साइड घुमाते हैं तो देखते हैं व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑप्शन आ गया, हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया है रिव्यू योर एग्रीमेंट यू विथ यूट्यूब, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, देख लेते हैं। तो आप एग्रीमेंट इसको पढ़ लीजिए क्या क्या है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें करना क्या है, हाउ विल आई बी पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया है एक ऑप्शन एसोसिएट एंड एडसेंस अकाउंट, हमने तो एडसेंस अकाउंट पहले बना लिया, उस पे एसोसिएट उससे जोड़ने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हुआ, और यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ फिर से वही आ गया, देखिए इकबाल अंसारी 12345, और नीचे में @gmail.com, और नीचे में हमसे पूछ रहा है कि यही चैनल यही ईमेल आईडी आप यूज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं तो क्रिएट और यूज अनदर अकाउंट, हम यस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ माई वेबसाइट बोल के था और जगह खाली था, लेकिन अब यूट्यूब का URL अपने आप आ गया, और इंग्लिश लैंग्वेज भी अपने आप सिलेक्ट हो गया। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए ये योर वेबसाइट पूछ रहा है, फिर उसके बाद योर इन्फॉर्मेशन पूछेगा, योर इन्फॉर्मेशन में आपका बैंक डिटेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कंट्री सिलेक्ट कीजिए, हमसे कंट्री मांग रहे हैं, हम यहाँ अपना कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अकाउंट टाइप इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए, बिजनेस में सिलेक्ट कीजिए, और पाई नेम में आप जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका खुद का ओरिजिनल नेम होना चाहिए, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए पाई नेम में, वरना आपको पेमेंट मिलने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जो आपका फुल नेम है वो दीजिए पाई नेम में, MD अंसारी
इकबाल मेरा फुल नेम है और सही स्पेलिंग है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे दीजिए, ठीक है, और इस जगह पे आप अपना जो है सिटी मांग रहा है सिटी दीजिए, मेरा सिटी कोलकाता है, स्टेट कौन सा है वेस्ट बंगाल वो सिलेक्ट करता हूँ, पिन कोड अपना सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मेरा मोबाइल नंबर पहले से दिया हुआ है वो तो दिया ही हुआ है, और उसके बाद सारे ऑप्शन पे यहाँ नो नो पे क्लिक कर दीजिए जो राइट साइड में है, यहाँ पे सारे ऑप्शन पे नो नो पे क्लिक करके सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म पे नीचे जो है इस पे क्लिक कर देते हैं। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरा जो है वेस्ट बंगाल नहीं हुआ स्टेट, इसीलिए एरर दिखा रहा है, चलिए इसको वेस्ट बंगाल कर देते, हो गया, अब ये सही हो गया है। अब यहाँ नीचे हम सबमिट माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरे पेज पर पहुंच गए और यहाँ पे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, हम इस पे चेक लगा करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बिल्कुल, मेरा ये वीडियो पैसे कमाने के लायक हो गया और मोनेटाइज यूट्यूब के साथ मैंने अपने अकाउंट को जोड़ दिया, अब हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो पैसे कमाने के काबिल हो जाएगा। चलिए यहाँ ऊपर में हम क्लिक करते हैं और क्रिएट स्टूडियो के ऑप्शन पे हम जाते हैं। जैसे ही हम क्रिएट स्टूडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से एक चैनल बनाने का जो ऑप्शन है वो आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक पहले से वीडियो अपलोड करके रखा है और फुल डिटेल में देखने के लिए हम वीडियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये वो वीडियो है जो मैंने अपलोड किया था और यहाँ पे देखिए डॉलर का निशान है। अब मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ, चलिए अब मैं एक वीडियो को पैसे कमाने के लायक बनाता हूँ, अब वो कैसे पैसे कमाएगा। ये मेरा वीडियो है शॉपिंग ऑनलाइन बोल के, ये मेरा वीडियो का नाम है शॉपिंग ऑनलाइन, मैं इस वीडियो के जरिए पैसे कमाना चाहता हूँ। तो इसको कैसे हम पैसे कमाने के लायक बनाएंगे, हम तो वीडियो अपलोड कर देंगे लेकिन अपलोड करने के बाद में उसमें और एक काम करना पड़ता है सिंपली एक, नहीं तो आप अपलोड करके पब्लिश भी कर दिए लेकिन वो पब्लिक की नजर में तो आएगा, व्यू भी होगा उसमें, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाएंगे आप उससे। उसके लिए आपको इस वीडियो को अपलोड करके एक ऑप्शन पे जाके मोनेटाइज करना होगा। चलिए हमारा ये वीडियो पूरा तरीका से डन हो गया है, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही हम पब्लिश कर दिए ये हमारा वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। फिर हम यहाँ ऊपर रेड कलर का जो आइकॉन है हम इस पे जैसे ही क्लिक करें, क्रिएट स्टूडियो का ऑप्शन आएगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे, ये देखिए शॉपिंग ऑनलाइन अभी जो मैंने अपलोड किया, लेकिन ये डैशबोर्ड है, फुल डिटेल में अपने वीडियो के बारे में जानने के लिए हम वीडियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। वीडियो मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए वो हमारा वीडियो है, लेकिन यहाँ एक बात, ये दो वीडियो हो गए हमारे, एक पहले का और एक मैंने शॉपिंग ऑनलाइन बोल के जो अभी अपलोड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गौर करने का चीज है, यहाँ पे डॉलर का निशान है ब्लू कलर का, लेकिन यहाँ जो मैंने अभी अपलोड किया ऊपर में है जो नया वीडियो, ये देखिए शॉपिंग ऑनलाइन बोल के यहाँ डॉलर का निशान ब्लैक है, लेकिन मेरा ये नीचे वाला वीडियो पैसे कमाने के लायक है मोबाइल ऑनलाइन जो नाम है ये पैसे कमाने के लायक है, लेकिन ये वीडियो अभी नहीं हुआ। तो इसको कैसे करेंगे, हम वीडियो के एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये वीडियो है इसका, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये वीडियो आ जाएगा और यहाँ देखिए मोनेटाइज का एक ऑप्शन है, मोनेटाइजेशन बोल के है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मोनेटाइज विथ एड्स हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो गया और ऊपर देखिए सेव चेंजेस का ऑप्शन आ गया, हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से वीडियो मैनेजर पे ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं ये वीडियो किस हालत में है, पैसे कमाने के लायक हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जी हाँ बिल्कुल ये ब्लू हो गया और मेरा ये वीडियो पैसे कमाने के लायक हो गया, और इस तरीके से जब व्यू होगा तो अपने आप पैसे आपके इनकम होंगे और एडसेंस में आप जो बैंक का डिटेल अपना देंगे, सारा डिटेल देंगे, वो आपको वहां से आपके असली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, हेल्प चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट मेरी नजर में आया तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो छोटी सी जानकारी है, छोटी नहीं बल्कि हेल्पफुल जानकारी जो है, उनको भी मिल सके और वो भी इससे फायदा उठा सके। वीडियो